तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं सुजीत ब्लॉग। आप सुजीत ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज देख रहे हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं दवाई छिटने। हम सब देख सकते, देखिए टंकी है दोस्तों। इस टंकी में कम से कम 15 से 16 लीटर तक पानी अटता है और छिटेंगे। देखिए हाथ वाला है, छिटने वाला, हालत बहुत ख़राब होने वाला है दोस्तों। आप देखिएगा, जरूर बताएँगे आपको हम अंतिम वीडियो के अंत में। ये देखिए दोस्तों, इसमें करीब 15 से 16 लीटर अटता है दोस्तों दवाई। यहाँ से पानी उठाते हैं दोस्तों। ये बोरिंग है, ये देखिए दोस्तों, बोरिंग निकाल कर। दोस्तों आधा खेत मतलब कि आधा खेत मतलब दवाई छीट दें, आधा खेत में और कुछ बच किया है। लेकिन दोस्तों बहुत हार्ड लगा है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये ऐसे चलाना पड़ता है इसको, उसके बाद फिर निकलता है दवाई। तो हाथ से चलाने वाला हम थोड़ा ज़्यादा, हाथ पे ज़्यादा जोर पड़ता है और कंधा पर ज़्यादा जोर पड़ता है यार। ये कंधा लहर गया, ये हाथ लहर गया, पूरा लहर गया दोस्तों। अब खाली हो गया टंकी, फिर से जाकर भरेंगे पानी, वहाँ से दवाई डालेंगे, फिर से आएंगे। इससे अच्छा रहता है वो जो बैटरी वाला रहता है ना, बैटरी वाला जो चार्ज करके फिर चार्ज में लगा कर फिर उसको लाते हैं, वो जो चालू करते हैं टिपने वाला, वो सही रहता है दोस्तों। उससे इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा जोड़ पड़ता है कंधा पे और हाथ पे दोस्तों। हम पूरा लहर गया दोस्तों, ये कंधा लहर गया और ये कंधा लहर गया दोस्तों। अब फिर से एक अति फिर से जाकर फिर से छीटना पड़ेगा दोस्तों।
फाइनली दोस्त पूरे खेतों में दवाई का छिड़काव हो चुका है और दवाई का छिड़काव भी करना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि क्योंकि पूरे खेतों में जो है ना अथी कीड़ा लग गया था और इसका पत्ता जो चना का मतलब खेतों में चना लगा हुआ है और चना का पत्ता जो है पीलापन हो रहा था और जड़ से सूख रहा था, तो दवाई का छिड़काव भी करना जरूरी था और कीड़ा भी लग गया था इसमें, तो सोचे चलो दवाई छिड़काव कर दें। लेकिन दवाई छिड़काव करने में यार बहुत हालत ख़राब हो गया मेरा। अब देख सकते हैं ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी इससे ये कंधा दबता है और ये चलाना पड़ता है। देखिए अब ये वाला चलाना पड़ता है, ये चलाना पड़ता है तब दवाई निकलता है इससे, यहाँ से इससे ये चलाना पड़ता है या इससे दवाई निकलता है दोस्तों। हालत तो ख़राब हो गया मेरा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब छिड़काव हो गया तो अब घर जाएंगे, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।